ध्यान देते हैं। इसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो अलग अलग टेंसेज में अलग अलग होता है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद बाई लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए आई रोट अ बुक, तो इसका पैसिव हो जाएगा बुक वाज रिटेन बाय मी। तो ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। आई सब्जेक्ट है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। बुक जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आएगा, बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। ये अलग अलग टेंस में अलग अलग होता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सारे टेंसेज में रहते हैं, फिर बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। अब हम देखेंगे कि वो टेंसेस कौन कौन से हैं जिसके हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। तो मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डू डज होता है और एस आई एस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस का जो एक्टिव फॉर्म होता है, इसमें अगर नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है डू डज आएगा, और अगर अफर्मेटिव है तो एस आई एस आएगा, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर हो जाएगा। इज आता है सिंगुलर के साथ, एम आता आई के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ। इसी तरह से अगर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज वर आता है। अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा या फिर डिड आएगा। ईडी किसी में आता है किसी में नहीं आता है, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, वाज वर्ब हो जाएगा। तो अभी हम दो टेंसेस को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, राम ब्रिंग्स एन एप्पल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एप्पल पहले हो जाएगा, एन एप्पल। अब चूंकि इसमें ब्रिंग्स आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसमें इज एम आर लगता है, एप्पल के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा। और ये मेन वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, फिर बाई लगाएंगे, और ये जो नाउन है इसमें चेंजिंग नहीं होता है, तो राम का राम हो जाएगा, यानी एन एप्पल इज ब्रॉट बाय राम। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे, मान लीजिए राम ब्रॉट एन एप्पल, तो जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। अब जब एप्पल को पहले लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज लग जाएगा। सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा और प्लूरल है तो वर्ब हो जाएगा, एंड एप्पल वाज ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है, ब्रॉट बाई राम, एंड एप्पल वाज ब्रॉट बाई राम। अगले वीडियो में हम दूसरा टेंस देखेंगे।